हेलो दोस्तों, एक्सप्लोर अल्टीमेट चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक नई और रोचक और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। हम जानेंगे कि फलों पर लगे स्टिकर्स का क्या महत्व है और हमें किस तरीके का फलों का सेवन करना चाहिए। बाजार से आपने कई बार सब्जियों के साथ फलों को भी खरीदा होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कुछ फलों में विशेष अंक वाले स्टिकर लगे होते हैं। क्या आप जानते हैं फलों पर ये स्टिकर क्यों लगे होते हैं? क्या मतलब होता है इन स्टिकर्स का? अगर आपको नहीं पता तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। दरअसल फलों में लगे स्टिकर फलों की गुणवत्ता को दर्शाते हैं, क्योंकि फलों को लोग अच्छी सेहत के लिए ही खाते हैं। लेकिन अगर आप गलत फलों का चुनाव कर लेते हैं तो यही फल आपकी सेहत को भी बिगाड़ सकते हैं। बता दें कि फलों में दिए स्टिकर में दाम, एक्सपायरी डेट के अलावा PLU कोड भी होता है। PLU कोड फलों की गुणवत्ता को दर्शाता है। अगर आप इसके बारे में जान जाते हैं तो आपको सही गुणवत्ता वाले फलों का चुनाव करने में आसानी होगी। अगर किसी फल में लगे स्टिकर पर दिया गया कोड 9 अंक से शुरू होता है और यह संख्या 5 अंकों की है, फॉर एग्जाम्पल 90412, तो यह फल जैविक तरीके से उगाया गया है। ये फल आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अगर किसी फल में लगे स्टिकर का लेबल या दिया गया कोड 8 अंक से शुरू होता है और 5 अंकों तक होता है तो यह फल अनुवांशिक संशोधन किया गया है। इस तरह के फल गैर ऑर्गेनिक फल होते हैं। फलों में अगर सिर्फ 4 अंक की संख्या है, फॉर एग्जाम्पल 4026, तो इस तरह के फलों को कीटनाशक और रसायनों द्वारा उगाया जाता है। ये फल ऑर्गेनिक फलों की तुलना में सस्ते होते हैं। यहाँ पर आपको 4 अंक वाले फलों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि इन फलों में कीटनाशक और रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ऐसे फल खाते हैं तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने का खतरा रहता है। इसलिए आपको अपने खाने पीने में जैविक तरीके से उगाए गए फलों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप जान गए होंगे कि फलों पर लगे स्टिकर का क्या महत्व है और इनका क्या मतलब है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।